रियासी जिले में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों व मृत्यु दर में हो रही वृद्धि को देखते हुए जिला प्रशासन ने रियासी की सभी सीमाएं सील कर दी हैं। अब रियासी जिले में बिना कोविड टेस्ट करवाए कोई दाखिल नहीं हो सकता। कोरोना रोकथाम के लिए रियासी के डिप्टी कमिश्नर ने कई अतिरिक्त प्रतिबंध लगाए हैं। इन्हीं प्रतिबंधों में अब रियासी जिले में प्रवेश से पहले कोरोना टेस्ट अनिवार्य होगा। जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव होगी वही जिले में जा सकेगा। हालांकि इमरजेंसी के हालात में व डॉक्टरों के आने जाने पर ये प्रतिबंध लागू नहीं होगा। डीसी चरणदीप सिंह के अनुसार जिले में कोरोना के बढ़ते मामलों पर रोक लगाने के उद्देश्य से ये प्रतिबंध लगाया गया है। एसएसपी रियासी स्वयं स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और उनका कहना है कि जिस तरह रियासी के आसपास के जिलों में ये महामारी तेजी से फैल रही है उसे देखते हुए ये प्रतिबंध लगाया गया है। बाई दी ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हो रहा है कि जो भी एंट्री होगी पहले उसका टेस्ट होगा, जो परमिटेड लोग हैं उनका भी टेस्ट होगा। अगर इन केस उसमें कोई पॉजिटिव आता है तो कोविड का जो प्रोटोकॉल है वो फॉलो किया जाएगा, अगर नेगेटिव है तो फिर एज पर इंस्ट्रक्शंस जो है वो उसको मूव करने की इजाज़त मिल जाएगी। है कि लोगों की जान बचाई जा सके उसके लिए ये कर्फ्यू लगा है और इसलिए हम ये कर्फ्यू की स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। यस, अगर मेडिकल इमरजेंसी है या डॉक्टर को मूव करना है उस केस में जो है वो पूरी लिबर्टी जो है वो दी जा रही है, पूरी लीनियंसी दी जा रही है। बट जो कैजुअल मूवमेंट्स और बिना मतलब की मूवमेंट्स हैं उसको 100% रोका जा रहा है।